आवाज में दम नहीं लगा थे, जयकारा जोर से, गर्मी भी चले जाइए और पवन देव भी सूर्य देव भी सब कृपा करत है। बदली आ गए ना, अभी सीएम साहब के आए के बाद बदली भी आ गए है, तो जयकारा जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमर का फूल जिंदाबाद, कमर का फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के इस बसना विधानसभा के जनसभा में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के पहला आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। एक बार आप सब ने निवेदन करा तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करा मन, और सामने बड़े संख्या में बैठे हुए उन माता बहनी मन और जबका भारतीय जनता पार्टी के सबों कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के साथी मन, आप सब को हमें हाथ जोड़ करके प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। आप सब का मालूम है कि 26 तारीख के चुनाव है महासमुंद लोकसभा के। अब ये चुनाव में हमला सिर्फ सीसी रोड, पुल पुलिया, रंगमंच निर्माण या सामुदायिक भवन तक के ही नहीं है, ओकर बर तो विधायक जिला बसना विधानसभा से आशीर्वाद मिली सब विधायक भी पर्याप्त है। और आज ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत बड़े चुनाव है, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में आज हम सब के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ला हमला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और ये राष्ट्र निर्माण करना है और एक चुनाव है। और आज पूरा देश के जनता मोदी जी के कार्य जो काम हुए ओला देखा थे और आप मन अभी भी देखे हो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता के जो विश्वास है, आस्था है, लेकर चलते आज अन्य पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रवेश लेते हैं। काबर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक उद्देश्य है, एक मकसद, एक लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण के और विकास के। मोदी जी है 2047 तक ये राष्ट्र का विकसित भारत की ओर ले जाने का काम करते। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बात है, पूरा विश्व मोदी जी ला स्वीकार करते। लेकिन आप मन सब देखा तो कि बहुत कम समय में, मुश्किल से 3 महीना हो है और 3 महीना सरकार चले, एक बात तो आचार संहिता लग गई है और 3 महीना में जो बड़े बड़े काम जो वादा करे रहे हैं मोदी की गारंटी में, वो सब वादा हर पूरा होते बोला सब का बताए की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भाषण लेकर आप मन के बीच में उपस्थित नहीं हो, हमारे पर हमारे बीच में हमारे मुखिया है जो सारा बात ला रखे। मैं तो आप सब के बीच में आप सब ले आशीर्वाद लेकर आई हूँ, हाथ जोड़ के मैं आप सब ले आशीर्वाद मांगा तो याचक बन के याचक बन के याचना करे बार आए हूँ। आप मन के बीच के एक बेटी, यहाँ के पैदा हुई बेटी, आप मन के बीच में यहाँ बसना विधानसभा में रहते में 5 साल तक विधायक के रूप में भी आप मन के सेवा करे हूँ, आप सब के बीच में हो और यही मैं आप मतलब फिर एक बार आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि वो कार्य क्षेत्र जहाँ से मैं अच्छा दिन ये काम करता हूँ, आप सब के सब यहाँ पे उपस्थित जो जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद दियो ही, लेकिन आप सब कोई एक कार्यकर्ता बन करके सब कोई रूप कुमारी चौधरी बन के काम करना है। रूप कुमारी चौधरी मात्र एक प्रतीक हो सकते हम सब के सिंबल है, हम सब के प्रत्याशी है, कमल के फूल हम सब के उद्देश्य और हम सब के मकसद है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी ला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारे सब के उद्देश्य है। ज्यादा मैं अब कुछ नहीं बोला था, आप सब कोई बोला अपना आशीर्वाद प्रदान करियो, मैं आप सब ला प्रणाम करत हूँ
माथा टेक के प्रणाम करता हूँ आप सब का, बहुत बहुत धन्यवाद। Gracias.